नमस्कार, डीसीपी न्यूज की खास खबरों में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटिया। आइए खास खबर में शुरुआत करते हैं इन खबर के साथ। समूचे देश के साथ प्रदेश में भी विभिन्न जगह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रक्षाबंधन का त्यौहार। जी हाँ, यह रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के अवसर पर बहनों का अपने भाइयों के घर आना जाना लगा रहा। इस अवसर पर जहाँ बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर कच्चे धागों का मजबूत बंधन का ये रिश्ता, ये त्यौहार रक्षा सूत्र बांधने का काम किया और उन्हें दीर्घायु की कामना की, तो वही भाइयों ने अपनी बहनों की हर परिस्थिति में रक्षा करने का भी उनको वचन दिया। इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जहां बच्चों के साथ रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते दिखे, तो वही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सीएम आवास पर भी प्रदेश की बहनों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के कलाई पर राखी बांधकर रक्षा सूत्र के इस पवित्र बंधन को मनाया। वही पचादून विकास नगर के साथ विधानसभा चक्राता से भी जगह जगह से तस्वीरें हमारे साथ साझा हो रही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हो पाई है। जगह जगह रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार को मनाया गया है, जिसमें कि जौनसार ब्लॉक के केंद्र बिंदु सैया में नेपाल से एक बहन अपने भाई के लिए राखी लेकर पहुंची। बहनों की प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा जगह जगह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर बांधकर ये रक्षा सूत्र से बंधे इस पवित्र त्यौहार को मनाया। कैसा रहा इस बार कारोबार की दृष्टि से रक्षाबंधन का पर्व, वो भी जानेंगे सैया के कुछ दुकानदारों की प्रतिक्रिया। और इसके अलावा साथ में दो दिन के असमंजस की स्थिति को लेकर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, उसके संबंध में भी सैया के कुछ दुकानदारों की हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। आइए सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के साथ सीधा सैया में। हम आप राखी खरीदने आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से हूँ और मैं यहाँ कैंप पे रह रही हूँ और मैं मेरे भाइयों के लिए लेने आई हूँ। जैन साहब, यहाँ पे आपका राखियों का टोटल वो लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन क्या बात है, आप बिल्कुल खाली खाली बैठे हुए हैं। आप आए थे और जाएंगे, इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या होना है, अब निमटने को है त्यौहार और करना चाह रहा हूँ। सुबह से लेके अभी तक आपने कितनी राखियाँ बेची है? थोड़ी बहुत बेची, आज तो ले रहा हूँ। ढीला रहा? अच्छा, सर ये रक्षाबंधन का त्यौहार है और आपके पास किस किस प्रकार की राखियाँ हैं इस समय जो बाजार में उपलब्ध है, और किस तरीके से आज खरीदारी हुई है इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जैसा कि राखियों में इस समय चंदन के डोरे होते हैं, ट्रिपल फोल्ड होते हैं, रुद्राक्ष होता है, और जो आपका एडी की राखी है, हर किस्म की राखी है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपये से लेके 200-250 रुपये रेंज तक की राखियाँ हमारे पास होती है अवेलेबल। बच्चों में डोरेमोन, छोटा भीम, लाइट वाली राखियाँ, सब किस्म की राखियाँ अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि ये है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे इस समय जो है रक्षाबंधन के, उसमें जो है कल के बारे में, आज के बारे में कुछ दुविधा बनी है, उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या था कि रक्षाबंधन का त्यौहार आज के दिन डिसाइड हुआ था, बट 9:30 बजे के बाद, रात के 9:30 बजे के बाद वो टाइमिंग है, तो रात को कोई मना नहीं सकता, तो इस वजह से 31 तारीख का पूरा दिन है, उसमें कभी भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।